हेलो स्टूडेंट्स, आज असी गल करांगे एनटीएससी दी, ऑल अबाउट एनटीएससी। सो की है एनटीएससी? जिस तरह थोड़ा अक्तूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है तो फिर साडा आना है मंथ नवंबर। सो नवंबर मंथ दे जिहड़ा नवंबर हुंदा है इसका फर्स्ट संडे जिहड़ा हुंदा है उस दिन जिहड़ा साडा एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसनों असी बोलते हाँ अपना एनटीएससी। सो पूरी गल करांगे असी एनटीएससी दे बारे। सब तो पहला असी कुछ जिहदा बेसिक जिहड़ा है पिछोकड़ है उसके बारे भी गल करांगे। सो इसकी ये तो गल कर ली कि असी दा एग्जाम हुंदा है फस्ट संडे, इस दीआं किन्नीआं स्टेजेस हुंदीआं किस तरह सारा कुछ हुंदा है असी सारी गल करांगे। सो इस बार साडा जिहड़ा पेंडेमिक चल रही है करोना, सो उसके कारण हो सकता है एग्जाम जिहड़ा पोस्टपोन भी हो जाए जां इस दीआं कोई डेट्स जिहड़ीआं ने ओह एक्सटेंड हो जाए जां पता नहीं किस तरह लिया जाए, इसके बारे हजे कुछ नहीं पता। सो असी गल करिए सब तो पहला कि एनटीएससी कदों आई। शुरू च एनटीएससी नहीं आई, सब तो पहला साडे कोल सी गवर्नमेंट ने एक अस्टैबलिश की कीता एनसीईआरटी। सो इन द ईयर ऑफ 1961 1961 एनसीईआरटी बनाई गई। एनसीईआरटी का मतलब की है साडे को नैशनल कौंसल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो इसकी लोड़ क्यों पई? सो सानू पता है कि 1947 सानू जिहड़ी आज़ादी मिली है उस तो बाद साडा जिहड़ा अपना एजुकेशन सिस्टम चल पिया ते जिसनू सानू डिवेलप करन दी भी लोड़ सी। सो उसनू डिवेलप करन दे लई एजुकेशन जिहड़ी मिनिस्ट्री सी उन्होंने एनसीईआरटी की स्थापना जिहड़ी करती 1961 दे विच। उस तो बाद इसका मोटिव की सीगा, क्यों की गई? सो की गई कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन दे विच इम्प्रूवमेंट करन दे लई कि उस विच नवीं नवीं जिहड़ियां कि टैक्नीक्स लैके आनी है, जिस तरह असी इस एनसीईआरटी तो क्लीयर करिए एजुकेशनल है रिसर्च, मतलब कि रिसर्च करनी, नवी नवी खोजा करनी, नवें नवे ढंग तरीके लभने, ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग कहती होगी टीचर्स की ट्रेनिंग होएगी, उन्होंने ट्रेनिंग दित्तियां जाएंगी इस दे अंडर कि किस तरह असी बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह असी नवी टैक्नीक जिहड़ी लैके आती है उसनों असी यूज़ करना है तो उसनों असी अपनी एजुकेशन वरतना है। फिर मोटिव असी देख लिया क्वालिटेटिव, मतलब कि क्वालिटी लैके आनी एजुकेशन दे विच, इंप्रूवमेंट करनी उस जो पहला सिस्टम चल रहा है उसनों थोड़ा जिहा होर असी इंप्रूव करना ते समय समय से इंप्रूव करते रहना इन स्कूल एजुकेशन। ते फिर साडे को NSTSS ने जन्म लिया। सो ये जिहड़ी साडे को NCERT सी इस दे विच कोई कमेटी नहीं गठन सी, कुछ नहीं सी, ते इसने एक स्कीम लियांदी साडे कोल फिर 1963 दे विच। सो उस 1963 जिहड़ी स्कीम आई उसका नाँ सी NSTSS। सो जिसका मतलब सी साडे को नैशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम। सो हुण इस दे भी असी जिहड़े वर्ड्स ने उन्हां तों क्लीयर करिए। नैशनल का मतलब हो गया साडे को साडे राष्ट्र ते अनुसार, ठीक है, पूरे भारत विच। साइंस का मतलब विज्ञान, साइंस की गल की गई इस दे विच, टैलेंट कि किस दे विच किन्नी योग्यता है, किन्ना टैलेंट है साडे देश विच साइंस के बारे पिया उस दे बारे सर्च करनी, तो वो वाली स्कीम लियांदी गई जिस दे अंडर एक एग्जाम जिहड़ा वो रख दिता गया 1963 दे एग्जाम जिहड़ा सी वो कंडक्ट किया गया। कंडक्ट कित्थे किया गया? मतलब कि पेपर जिहड़ा लिया गया, ठीक है। सो दिल्ली साडी जो नैशनल कैपिटल है उस दे विच पेपर लिया गया जिस दे विच की होया कि 10 जिहड़े बच्चे साडे को मिले उन्हां नूं स्कॉलरशिप जिहड़ी कि दित्ती गई। सो 10 स्कॉलरशिप जिहड़ियां गवर्नमेंट ने दित्तियां, ठीक है। सो शुरुआत की गई दिल्ली तो 10 स्कॉलरशिप तो जिस दे विच असीं बच्चों नूं लभिया कि कहड़े बच्चे साडे कोल साइंस दे विच वधिया हन। सो इसनों की एक पायलट प्रोजैक्ट बोल दिंदे आ असीं, पायलट प्रोजैक्ट। सो जिहड़ा मतलब कि एक थोड़े खेतर दे विच चला के वेख्या जाता है कि इसका रिस्पोंस जिहड़ा सानू की मिल रहा है। सो उस तो बाद समय समय अनुसार इस दे विच बदलाव जिहड़े आंदे गए। सो फिर 1964 दे विच
इसनों एक्सटेंड किया गया कि इसनों स्कॉलरशिप नू एक्सटेंड कर दिता गया। सो इसकी जी काउंटिंग से किन्नी करती 350 स्कॉलरशिप जिहड़ियां गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनियां शुरू करती। सो जिते 10 बच्चों नू फायदा मिल रहा है उत्थे किन्नियां नू मिलन लग पिया 350 बच्चों नू। सो ये जिहड़ा सारा सिस्टम से साडे को किहड़ी क्लास तक चलता सीगा प्लस वन, ये भी प्लस वन से साडे को, ये भी 10+1। सो सिर्फ 11वीं कक्षा जिहड़ी साडी को 11वीं क्लास से उस तक ही जिहड़ा प्लैन से जां स्कीम से जिहड़ी उह सीमित सी। सो इस तों बाद गल करदे आं असीं इसदे एग्जामीनेशन की। सो एग्जामीनेशन मतलब कि जो साडे को इसका पेपर हुंदा सी उस दे विच की सी, एक सी साडे कोल रिटन एग्जाम ते नाल साडे को इसका हुंदा सी प्लस प्रोजैक्ट वर्क, ये सारा कुछ बच्चे ने करके देना हुंदा सी सानू। प्लस हुंदी सी इंटरव्यू, इंटरव्यू। सो रिटन एग्जाम हुंदा सी, सारे बच्चे एग्जामीनेशन हॉल च बैठते सी ते अपना पेपर जिहड़ा उह दिंदे सी स्टेट वाइज, ठीक है। फिर प्रोजैक्ट वर्क, सो प्रोजैक्ट वर्क जिहड़ा सी उह वी बच्चे उस पेपर दे विच ही जिहड़ा कि एग्जाम जदों हुंदा सी तां उदों सबमिट जिहड़ा करवांदे सी। उस तों बाद इन्हां दोवां चीज़ां तों बाद साडे कोल आउंदा सी इंटरव्यू। सो इंटरव्यू किस तरह सी, एफ टू एफ। सो एफ टू एफ मतलब कि फेस टू फेस। जिहड़ा रिटन टैसट इस विच साडे कोल दो टैसट सी आउंदे, एक सैट आउंदा सी ते प्लस साडे कोल आउंदा सी एसे ऑन गिवन साइंटिफिक थीम। सो सैट की सी साडे को एस सी एच ओ एल ए एस टी एस स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ए स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे असं गल करांगे कि इस विच किहड़े सबजैक्ट साडे आंदे हन, ते एक साडे को एक सैट हुंदा सी ते प्लस साडे को एसे हुंदा सी जो साइंटिफिक थीम दे ते असीं साइंटिफिक थीम ते असीं एसे जिहड़ा लिखना हुंदा सी। सो इस तों बाद फिर साडे को आंदा है 1776 ईयर। सो 1776 दे विच की होया, गवर्नमेंट ने थोड़ा जिहा जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी सीगियां उहनां 'च चेंज कीता थोड़ा जिहा सिस्टम दे विच। सो सिस्टम ऑफ एजुकेशन की लै आंदा 10+2+3, ये जिहड़ा एक एजुकेशन सिस्टम जिहड़ा साडे कोल चल पिया। सो इसका मतलब कि जिहड़ा साडे कोल प्रेजेंट चल रहा है कि पहला 10वीं करो, फिर उस तो बाद दो क्लासेस होर करो, 12 करो, फिर 13 करो। सिंपल असी समझना होवे तां साडे कोल ये सिस्टम सी। सो असी जेकर गल करिए तां इत्थे तक साडे कोल सिर्फ की चलदा सी, कंसैप्ट जिहड़ा सी एक साइंस ते चलदा सी, एक साइंस सबजैक्ट दे बारे गल की जाती सी। सो फिर इस दे विच साडे कोल एक्सटेंड कर दिता गया जो सबजैक्ट से होर जिहड़े कि इनकलूड कर दिए गए साडे कोल, जिस दे विच साडे कोल साइंस तां पहलां ही सी, साइंस आ गया, प्लस आ गए साडे कोल एसएस सोशल साइंस साडी, ते प्लस साडे कोल आ गया इस दे विच इंजीनियरिंग, ते प्लस साडे कोल आ गया इस दे विच मेडिसन। सो ये हो गया। इस तों बाद फिर साडे कोल जो साडा NSTSS ये जो सी साडे को, इसनों की करता रीनेम करता, रीनेम्ड एज। सो जिस दे बारे असी गल कर रहे हाँ साडा NTSC दे विच रीनेम इसनों कर दिता गया, मतलब कि NTSC दा जे पहला नाम गल करी तां की सीगा NSTSS। सो फिर साडे को बन गया NTSC। सो जिसका मतलब साडे को बनता है नैशनल टैलेंट सर्च एग्जामीनेशन। क्लीयर। सो हुण 1976 च की होया कि ये जिहड़ी स्कीम साडे को प्लस वन तक चलती सी इसनों एक्सटेंड कर दिता गया। सो सो जिहड़ी स्कीम सी, सो स्कीम ओपन करती ओपन टू 10+1+2। सो 10वीं 11वीं एंड 12वीं कक्षा जिहड़ियां साडियां क्लासां सी उहनां तक इस स्कीम नूं लै आंदा गया, जिथे जिहड़े 11वीं क्लास दे बच्चे इसदा फायदा लैंदे सी उत्थे 10वीं क्लास दे बच्चों नूं वी फायदा मिलण लगा ते 12वीं क्लास दे बच्चों नूं इसदा फायदा जिहड़ा सी ओह मिलण लगा। सो हुण जिहड़ियां इह क्लासां सी तिन्नों, इहनां लई साडे कोल इक कंबाइन टैसट नहीं रख्या गया, एक सैपरेट जिहड़ा सी एग्जामीनेशन जिहड़ा सी उस असीं कंडक्ट करना शुरू करता, ठीक है, कि हर क्लास दा अपना अलग टैसट होवेगा उस दे सिलेबस दे अनुसार। फिर साडे को 1976 दे विच होर की होया, किहड़ी स्कॉलरशिप दी स्कीम साडे कोल 350 बच्चों तक सी उसनों एक्सटेंड किया गया। सो स्कॉलरशिप्स
एक्सटेंड कर दी गई 352,500। सो हुण 500 बच्चों को फायदा मिलने लगा। सो हौली हौली देखो इंप्रूवमेंट हो रही है। यही सी मैथ, यही मोटिव सी साडा NCERT का कि चेंज करो। सो चेंज किए गए, हौली हौली पता लगा सानू कि चीज़ों चेंज करने की लोड़ है। सो देखो स्कॉलरशिप जिहड़ा कि उसके नंबर बढ़ रहे हैं। सो फिर साढ़े को इसका जिहड़ा सिलैक्शन प्रोसीजर सी, सिलैक्शन प्रोसीजर चेंज्ड। सो सिलैक्शन प्रोसीजर जिहड़ा सी कि किहड़े बच्चों नूं स्कॉलरशिप दित्ती जावे उसनों भी चेंज कर दिता गया। सो जिस दे विच दो टैसट रखे गए, सो एक साढ़े को जिहदे विच रख दिता गया एक मैट अते दूसरा सी सैट। सो सैट वाले तां असीं पढ़ ही चुके स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टैसट। सो ये साडा मैंटल अबिलिटी टैसट। सो इसकी गल करिए स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टैसट। सो ये दो टैसट जिहड़े सी ले आंदे गए। सो ये कोई अलग टैसट नहीं सी, इक्को दिन जिहड़े टैसट सी दोवें हो जाते सी। उस तो बाद तो जिहड़ा बच्चा इन्हां दोवां टैसट नूं क्लीयर करदा सी ओह फिर जांदा सी टैसट इंटरव्यू दे विच। सो इंटरव्यू च की होया F2F। सो मैनूं लगदा आई थिंक जो पहला आपां F2F की गल कीती सी कि उस मैं कहते थे कि बच्चों के इंटरव्यू जिहड़ी हुंदी सी, सॉरी वह क्यों देखिए कि उन्हां दी फिर इंटरव्यू ली जाती सी जो भी साडे टीचर्स हुंदे सी पॉलिसी के अनुसार जां स्कीम के अनुसार वह उन्हां बच्चों की इंटरव्यू लेंदे सी। सो इस दे विच वी इक फेस टू फेस जिहड़ी इंटरव्यू है वह रही, ठीक है। सो साडे कोल मतलब 3 लैवल बण गए, 1, 2 अते 3। सो इन्हां तिन्नां नूं असीं 1+2+3 लैवल की गल करिए तां जिहड़ा बच्चा इन्हां दे विच हायर स्कोर ओबटेन करदा सी उसनूं जिहड़ा कि स्कॉलरशिप जिहड़ी है वह मिलती सी। सो इस दे विच फिर साडे कोल की कीता गया कि जिहड़ी स्कॉलरशिप सी फिर 1981 दे विच आ के 1981 च आ के 500 सी साडे कोल कीती गई, ठीक है ना। 500 to आ के फिर साडे कोल उसनूं वधाता 550 तक जिहड़ी कि स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई। पर इतने एक थोड़ा जहा चेंज होर आया, छोटा जहा चेंज। उस चेंज की सीगा कि SC & ST कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां सी इन्हां दी जिहड़ी स्कॉलरशिप सी जिहड़े 50 एक्सटेंड किए गए, ठीक है। ये 50 सी SC ST दे वास्ते स्कॉलरशिप। सो इस तो बाद साढ़े कोल जिहड़ी 1981 हो गया तो 1983 दे विच स्कॉलरशिप जिहड़ी सी फिर उसके नंबर बधाए गए 550 तो उन्होंने कर दिता गया 750 750 कर दिता गया। सो जो 750 किया तो जिहड़े SC ST दी रेशो सी वह किन्नी हो गई साढ़े को, फिर इतने SCC जो या ST कम्यूनिटी सी उन्हें स्कॉलरशिप कर दी गई 70। सो फिर साढ़े कोल ईयर आता है 2000। सो 2000 दे विच की किया गया जिहड़ी स्कॉलरशिप सी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप सी 750 तो 1000 दे तक जिहड़ियां कि कर दित्तियां गईयां। सो इस स्कॉलरशिप दे विच फिर की कीता गया जिहड़ा कि 15% इसका कोटा जिहड़ा सी आपां कह लईए SC & ST दे बारे जिहड़ा कि रख दिता गया कि इसका 15% जिहड़ा होएगा वह SC ST दी स्कॉलरशिप जिहड़ियां कि उन्हां नूं वक्खरियां रख दियां कि ये 15% जिहड़े SC बच्चे ही होणगे जां ST होणगे जिन्हां नूं स्कॉलरशिप दित्ती ही जाणी है। सो फिर आता ईयर साढ़े को 2006 2006 दे विच की होया साढ़े को एग्जामीनेशन हैल्ड एट 8th स्टैंडर्ड। सो 8वीं क्लास में भी देखो साढ़े को पहला कि साढ़े को कला प्लस वन चल रहा है, ठीक है, 1976 तो पहला। फिर प्लस वन के नाल 10th अते प्लस टू लिया 1976 के, फिर 2006 दे विच 8th क्लास में भी इनवॉल्व कर लिया गया, ठीक है। सो 8th क्लास लिए जो टैसट सेगा उसनों असी जिहड़ा कि बोलते हैं NMMS का टैसट बोलते हैं। सो पहला इसनों 8th क्लास में इस चीज़ रख्या गया। फिर 2008 दे विच 2008 दे विच 3% जिहड़ा सी जिहड़ा स्कॉलरशिप का कोटा सी जां नंबर ऑफ स्कॉलरशिप सी उस दे विच लिया गया फिजिकली चैलेंज्ड परसन, मतलब कि जिहड़े बच्चे डिसेबल्ड हुंदे हन उन्हां नूं इस दे विच लिया गया कि 3% जिहड़ियां स्कॉलरशिप्स ने वह उन्हां बच्चों लई राखवियां कर दित्तियां गईयां जिन्हां दा फायदा ना तो SC लै सकदा सी, ना ST लै सकदा सी, ना जनरल लै सकदा सी, सिर्फ एक डिसेबल्ड परसन लै सकदा जो किसी विकास का जिहड़ा होवे। सो इस तो बाद 25/11/2012 दे विच 94th जिहड़ी मीटिंग हुई
ਸੁਕੇਦੀ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਸੀ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੈ ਰਹਿ ਗਿਆ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ 1250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1250। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।